हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर टेक्निकल एक्सपर्ट्स। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेफ होंगे। देखिए दोस्तों, मेरे पास आप ये कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं। ये तो खैर मेरे पास जो है एल्कलाइन फिल्टर वगैरह के कुछ बॉक्स पड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर आप ये देख रहे होंगे मेरे पास ये कुछ 4 इंच में यूएफ फिल्टर्स वगैरह पड़े हुए हैं। देखिए ये जो है कैंट ब्रांड का यूएफ फिल्टर है, और एक और है ये यूएफ फिल्टर यूएफ मैमरिन, और एक मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने एक काट के रखा हुआ है, एक यूएफ मैमरिन है जो कि असेंबल्ड आरओ में यूज़ किए जाते हैं। एक ये और है मेरे पास यूएफ मैमरिन, मतलब 4-5 तरह के मेरे पास यूएफ मैमरिन है। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि बताना तो खैर क्या चाहूँगे, एक्चुअली हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्हीं का कमेंट आया था कि जी हमें बहुत टाइम हो गया यूएफ मैमरिन चेंज करवाए, तो क्या ये भी चेंज करवाना चाहिए? तो उसी पे मैं बात करूँगा कि यूएफ मैमरिन भी भैया ज़रूर चेंज करवा लिया कीजिए, क्योंकि ये रूटीन सर्विस में ही आता है। और जैसे कि इसके ऊपर लिखा भी होता है, मेरे पास एक कैंट कंपनी का यूएफ मैमरिन है, इस पर लिखा भी हुआ कि मस्ट रिप्लेस आफ्टर 12 मंथ्स। अब जनरली हमने क्या देखा है, ज़्यादातर क्या है कस्टमर वगैरह इसके मेन जो सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर और प्री सेडिमेंट फिल्टर या फिर मैमरिन वगैरह तो चेंज करा लेते हैं, लेकिन ये जो कुछ एक यूएफ मैमरिन और ये कैंट कंपनी का मेरे पास एक पोस्ट कार्बन पड़ा हुआ है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये एज इट इज 2-2, 3-3, 4-4 साल तक मैंने देखा है कि ये ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसको चेंज नहीं करवाते। तो भैया अगर कंपनी ने कुछ इस पे लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा होगा, और इसकी लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए ही लिखा होगा। जैसा कि अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कटे हुए मेरे पास कुछ यूएफ मैमरिन है, इसमें से मैं आपको एक बार इनका इनर व्यू दिखाता हूँ। जो 2-4 टाइप के मेरे पास यूएफ मैमरिन है, ये देखिए एक मेरे पास ये लोकल यूएफ मैमरिन है, इसे काटने पर देखिए क्या है, इसमें सिर्फ एक स्पंज टाइप का एक फिल्टर है और एक और है, ये इस टाइप से यूएफ मैमरिन में बस एक फिल्टर दिया गया है। मेरे पास एक और यूएफ मैमरिन है, और जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इसमें एक फिल्टर टाइप का है, स्पंज टाइप का कुछ फिल्टर वगैरह है। और इसके बाद हम आते हैं ये वाला यूएफ मैमरिन पे, ये कैंट कंपनी का यूएफ मैमरिन है, इसमें से अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ क्या मटेरियल है। तो देखो जी, ये तो यूएफ मैमरिन हो जाता है जी बहुत हल्की क्वालिटी का, हम तो ये यूज़ करते नहीं, और ना ही मैं किसी को सलाह देता कि आप ये यूएफ मैमरिन वगैरह चेंज या यूएफ मैमरिन वाटर प्योरीफायर में लगाएं। हाँ, एटलीस्ट कम से कम यूएफ मैमरिन ये वाला अगर ब्रांडेड आपको नहीं मिल रहा, तो एटलीस्ट ये वाला कुछ हैवी वाला यूएफ मैमरिन ज़रूर लगाएं, क्योंकि यूएफ मैमरिन का काम भी ज़्यादातर आप को थोड़े नॉलेज में आपको दे दूं कि यूएफ मैमरिन का काम यही रहता है, जैसे मैमरिन जिस टाइप से मैमरिन हमारा टीडीएस कम करती है और पानी के टेस्ट को इम्प्रूव करती है, तो उसी टाइप से ये है कि हमारा यूएफ मैमरिन भी कुछ परसेंट, अगर मैमरिन जो है 100% टेस्ट चेंज करती है, तो 2-4, 5 या 8-10% हमारा यूएफ मैमरिन भी टेस्ट को इम्प्रूव करता है। और दूसरी बात, मैमरिन वगैरह जो हमारे हैं वो जर्म्स बैक्टीरिया वायरस वगैरह को है कि पानी में नहीं आने देती है, सेम उसी टाइप से ये भी क्या है कि जम्स बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो रहते हैं उसको फिल्टर पानी के अंदर नहीं आने देती और थोड़ा सा टेस्ट इम्प्रूव कर देते। वो क्यों, वो किस टाइप से, मतलब जितना बारीकी से मैमरिन फिल्टर जो हमारे मेन मैमरिन फिल्टर फिल्ट्रेशन करता है, उतना बारीकी से तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके पोर वगैरह मैमरिन के मुकाबले कुछ ज़्यादा बड़े रहते हैं। और जब हम TDS एडजस्टर के थ्रू जब इधर पानी वगैरह इसमें पास करते हैं, तो जम्स बैक्टीरिया हमारे जो TDS एडजस्टर के थ्रू जो पानी जाता है वो प्योर पानी में नहीं आता है, तो इसलिए रूटीन सर्विस में इसे ज़रूर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इस टाइप से ऐसे पड़े रहेंगे तो यह कि पानी तो भले ही देते रहेंगे, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए हमने अपना RO वाटर प्योरीफायर लगाया है या जो इसका काम होना चाहिए, माइनर से टेस्ट इंप्रूव कर देती है, ये जम्स बैक्टीरिया को पानी को उस तरफ नहीं आने देती, जैसे लेड आर्सेनिक वगैरह जो है हमारी मैमरिन फिल्टर कर देती है, उतना तो नहीं करती लेकिन फिर भी कुछ काम ज़रूर करती है, तो ये यूएफ मैमरिन ज़रूर चेंज किया कीजिए।
रूटीन सर्विस में ये भी जरूर चेंज कर देना, या वो एक अलग बात है कि चलो 12 महीने में लेके आते, 14-15 महीने में तो एक बार जरूर कर देना जी, कर ही देना चाहिए। ये नहीं कि भी दो दो तीन तीन साल तक इसकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो एक बार मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास मेम्ब्रेन है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है, हैवी क्वालिटी की मेम्ब्रेन, UF मेम्ब्रेन है। दिखाता हूँ एक बार इसे निकालता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें से UF मेम्ब्रेन को निकाल लिया है, और इसका डिज़ाइन देखिए किस टाइप से, कुछ धागे वगैरह जो हैं, रेशे वगैरह इसमें हैं। और यही जो है कैंट कंपनी का UF मेम्ब्रेन में ये सारी चीज़ें रहती हैं। और यहाँ से ये कुछ ऐसा इधर दिया गया है, यहाँ से हो सकता है पानी फिल्टर होकर यहीं से जाता होगा। इसका मैकेनिज्म इसी टाइप का कुछ है कि एक इनलेट जो इधर एरो दिया हुआ है, यहाँ से मतलब इस डायरेक्शन में पानी जो है इसमें इन करेगा, और आउट जो है इधर इन्होंने ये रिंग भी लगा रखे हैं ताकि जो भी पानी जाए इसके थ्रू होके ही अंदर जाए, और यहाँ से पानी पास होता है। तो कितनी अच्छी क्वालिटी का, कितनी फाइन इसके पोर होंगे, या कुछ ये मटेरियल है जो भी है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है। चलो ठीक है, अगर हमें ये वाला UF फिल्टर इस डिज़ाइन का नहीं मिलता है तो एटलीस्ट कम से कम इस क्वालिटी का जरूर UF फिल्टर लगाया कीजिए, जो कि हम कैंट से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इतनी हल्की क्वालिटी की, जिसमें कि ये स्पन वगैरह, उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें ये दे रखा है और इसमें ये है, लेकिन ये आप ज़रूर लगा सकते हैं। बस आपके साथ यही नॉलेज थोड़ी शेयर करनी थी, और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये UF मेम्ब्रेन के ऑपरेशन वाली, जिसमें कि हमने इसका पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखाया, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको थोड़ी नॉलेज हो कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या चीज़ रहती है, और हमारे अगर कस्टमर्स वगैरह थे उनको भी ये थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि UF मेम्ब्रेन की तरफ भी ध्यान दे, इसको भी ज़रूर चेंज करवा लेना चाहिए। बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर प्रेस कर लीजिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की। ये देखिए जी, सारे रेशे वगैरह हैं। ओके सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।